लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको फिर एक बार औसत से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराएंगे, तो आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। 9th क्वेश्चन है सीरीज का, 11, 23 और x का औसत 40 है, तो x का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9th का सोल्यूशन देखते हैं। 11 जमा में 23 जमा में x, कितनी संख्याएँ 1, 2, 3, बटे में 3 करेंगे और औसत जो दिया है उसके बराबर रख देंगे। यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके पहले इनको जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4 2 और 1 3 यानी 34 प्लस एक्स बटे में 3 बराबर 40। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 34 प्लस एक्स इक्वल टू 4 × 3 = 12 यानी 120, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120 घटा में 34 कर दो तो देखो 10 में से 4 गए 6 और यहाँ बच गए 11, 11 में से 3 गए 8 यानी 86 इसका आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 10वां, उसको देखते हैं। सिर्फ हमने वही औसत वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या है देखो, 10वां क्वेश्चन है 8 12 x1, 8 + 12 + x1 + 16 + x2 + 4 का औसत 16 है, का औसत 16 है यानी 16 रख दो। संख्याएं कितनी हैं, 8 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, इनको जोड़ कर दो तो देखो कितना होगा, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 8 20, 2 हासिल हो गए, 2 और 1 3 और 1 4 यानी ये 40 प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टे में 6 = 16 तो ये हो गए 8 और 12 20, 16 और 4 20, 20 और 40, 20 20 40 होते हैं। अब इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो देखो क्या आएगा, 40 प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू, 16 6 96 होते हैं तो एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू हमें मिल जाएगी 96 - 40, 96 - 40 6 और ये 5 यानी 56 हो गई। अब हम देखते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू कितना है, 56 है, औसत निकालना है इनका तो संख्या कितनी 2 है अर्थात 2 से भाग कर दो तो कितना हो गया, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16 यानी 28 इसका हमारा आंसर हो गया। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वन एक्स टू की वैल्यू भी निकाल ली और उनमें हमने औसत निकालना है तो संख्याएं 2 रह गई तो 2 से ही हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। यही हमारा प्रोसेस है कि जितनी संख्याएँ हैं उतनी संख्या से उनको जोड़ के भाग करना होता है तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है। अगला यानी 11वां क्वेश्चन है, क्या है देखो देखते हैं, 40 10 25 20 35 एवं x का औसत 25 है तो x का मान ज्ञात करो। तो ये देखो 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x बटे में जितनी संख्याएं हैं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 तो बटे में 6 बराबर कितना आया है, 25 है, इनको जोड़ दो तो इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखो 5 और 5 10 का 0 एक हासिल हो गया, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी ये 13 हो गए। एक बार और देख लेते हैं, 5 और 5 10 का 0 हो गया, एक हासिल हो गया, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 10 सॉरी 9 और 4 13 + x/6 = 25 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो जैसे पीछे किया था तो क्या हो गया, 130 + x = 25 कितने होते हैं, 150 या ऐसे करो 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12 और 3 = 15 अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, 150, ये प्लस का है इधर जाके माइनस का होगा 130। अब 150 में से 130 घटा हुए तो आप जानते हो कितना बचेगा, 20 बचेगा तो x का मान कितना हो गया, 20 हो गया, जो कि पहला ऑप्शन है हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यानी 12वां है, क्या दिया है 12वें क्वेश्चन में, a और b का औसत क्या होगा, तो हम जानते हैं a और b का औसत क्या हो गया, औसत बराबर a प्लस बी और बटे में 2 यानी ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझ आएगी, इन क्वेश्चन को आपने अच्छे समझ लिया और समझ लिया, हमारी वीडियो पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।